वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है, वो ये नहीं क्यों नहीं कहते हैं कि जो देश को लूट रहे हैं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी वो घोटाला करके जेल में हैं, तो वो भ्रष्टाचार को क्यों नहीं हराने की बात कर रहे हैं। रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता, ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं, हम तो बेटियों के माता पिता को जिताने में लगे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा करके उनके अंदर से जो उनके ऊपर भारत के तोड़ने की साजिश रचने का जो खुमार चढ़ा है उसके आगे अब वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। इस देश में बेटी पढ़ाओ होना चाहिए। आप मनोज तिवारी को हराने जिताने की बात कर लो, रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा, आप बेटियों के पिता के बहुत लंबे समय से दुश्मन हैं, आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। आपके घर में एक बेटी को पीटा जाता है, स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक पटक के मारा जाता है और वो मारने वाले के साथ खड़े होते हैं। तो इस देश में बेटियों का सम्मान करना सीखना है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखो। अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार, ये लोग अब इनके साथ आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं है, इनके साथ कांग्रेस का भी कार्यकर्ता नहीं है, ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का जोड़ है और सारे कार्यकर्ता नीचे से खिसक गए हैं। जो थोड़े बहुत घूम भी रहे हैं ना, वो बटन दबाने वाले हैं कमल का, क्योंकि उनके साथ धोखा किया है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने। एक दूसरे को गाली देते रहे, आज मिल गए हैं। तो बेटियों का पिता जीतेगा और देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला हारेगा।